नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरी राधे राधे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपना कुरुक्षेत्र का जो टूर है वो हमने कंटिन्यू किया हुआ है। इससे पहले हम भद्रकाली मंदिर में थे और अभी हम ज्योतिसर में पहुंचे, और यहाँ की क्या विशेषता है, क्या इसकी आधुनिकता है और किस चीज़ के लिए जाना जाता है। मेरे साथ मेरे मित्र जो कि यहीं पर अभी हम एक दूसरे से मिले हैं, श्री गोगा सिंह जी जो हैं वो यहाँ के बारे में आपको बताएंगे। श्री गोगा सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज यहाँ के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं सभी को, हम आपको। तो वास्तव में जगह का नाम है ज्योति सर, और ज्योति मैंने प्रकाश, यानी के भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान का ज्योति जलाया गया था, और हम इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बना फिर ज्योति सर। अगर हम सामने देखेंगे वहां पे तो लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पे आए और उन्होंने बैठकर इधर में पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु इधर में दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पे जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। उनका सवाल होता है प्रभु जी सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती यहाँ पे हमें अब दिखाई नहीं देता है। उस जमाने में बताते हैं कि उस समुद्र में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था, ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पे, जिस पावन धरती पे आज दर्शनों के लिए यहाँ पे आए हैं, ये है मध्यम, यानी कि सेंटर प्वाइंट के, जहाँ पर भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे सके तो है प्रभु, मैं मारू तो किसको मारू, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ, और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुआ। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दी है। कहते कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था, इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ, और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। थोड़ा कैमरा उधर से घुमाइए, जो हम सामने पेड़ देख रहे हैं, रथ के सामने जो पेड़ है, इसी पेड़ के सामने भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था, और गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था, तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं, और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो इधर से पूर्ण किया जाता है। जाते समय हम पेड़ का परिक्रमा भी कर सकते हैं, उसमें एक मंत्र बोला जाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या प्रभु जी हम कृष्णा कृष्णा भी बोल सकते हैं परिक्रमा करते समय। तो ये इधर का जानकारी है सुनने के लिए और समय के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोली कृष्ण भगवान की जय।